दोस्तों, अक्सर आपने स्टॉक मार्केट या स्टॉक ट्रेडिंग जैसे शब्द सुने होंगे, तो आज हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे इसमें हम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट या शेयर बाजार किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करने की जगह। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नाम के दो प्रमुख शेयर बाजार हैं। BSE या NSE में ही किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ब्रोकर के माध्यम से खरीदे और बेचे जाते हैं। वे सभी जो आज भारत अथवा विश्व के अरबपतियों में शुमार हैं, उनमें ज्यादातर के फर्श से अर्श तक की दास्तानों में एक बात कॉमन रही है, वो है शेयर मार्केट की गहरी समझ और बेहतर रिटर्न्स। चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी जो दुनिया के सबसे अमीरों के लिस्ट में टॉप 15 में शुमार हैं, या फिर भारत में शेयर बाजार के सबसे कामयाब खिलाड़ी और 20,000 करोड़ के मालिक राकेश झुंझुनवाला। शायद आपको पता ना हो, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल वॉरेन बफे भी शेयर बाजार में ही निवेश कर अरबपति बने हैं, जिन्होंने 1988 में कोका कोला में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और कंपनी ने 30 सालों तक 10% के रेट से रिटर्न दिया। इन सभी ने बड़ी होशियारी से शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाकर अमीरी की राह पकड़ी है। तो आइए जानते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे कदम रख सकते हैं और आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट गोल्स को सेट करेंगे। आप ये डिसाइड करें कि शुरुआत में कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ अपना अतिरिक्त पैसा ही इन्वेस्ट करें, जिस पैसे की आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसे इन्वेस्ट ना करें। यहाँ आपको ये भी प्लान करना है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ज़रूरी है। जिस तरह आप पैसे बैंक अकाउंट में रखते हैं, उसी तरह आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं, जिसमें से बेचने पर वे डेबिट और खरीदने पर क्रेडिट होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए होता है। ये अकाउंट खुलवाने के लिए आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म से संपर्क कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें रजिस्टर्ड ब्रोकर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली शेयर्स को बाय और सेल नहीं कर सकते। यहाँ देखा जाए तो मेनली दो तरह के ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स और फुल टाइम ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर्स की ब्रोकरेज बहुत ही कम होती है, जैसे कि अपस्टॉक्स और फायर्स। फुल टाइम ब्रोकर्स की ब्रोकरेज 0.1 से लेकर 0.5 तक हो सकती है। तो आप ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स को ही सुने जो आपको कम फीस में बेहतर सर्विसेज दे। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की। आप उसी कंपनी का स्टॉक खरीदें जिसका बिजनेस आपको समझ आता है। शेयर्स खरीदने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से आप अपनी इच्छा अनुसार जिस भी कंपनी के जितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उतने शेयर्स खरीदने के लिए अपने स्टॉक ब्रोकर के दिए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके स्टॉक ब्रोकर के पास अपना ऑर्डर प्लेस करें। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर्स खरीदने के लिए जरूरी रकम उपलब्ध होगी तो आपका ऑर्डर वैलिड ऑर्डर माना जाएगा और स्टॉक ब्रोकर आपके ऑर्डर को स्टॉक मार्केट तक तुरंत ही पहुंचा देगा और कुछ ही सेकंड्स में आपके पास वो शेयर्स आ जाएंगे, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। जब आपको वो शेयर्स बेचने होंगे तो जो भी शेयर्स आप बेचना चाहते हैं उन शेयर्स की उतनी क्वांटिटी यानी कि बेचने का ऑर्डर स्टॉक ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके स्टॉक ब्रोकर के पास प्लेस कर सकते हैं और स्टॉक ब्रोकर आपके ऑर्डर को तुरंत ही स्टॉक मार्केट तक पहुंचा देता है। अगर स्टॉक मार्केट में शेयर्स की डिमांड होगी तो आपके शेयर्स कुछ ही सेकंड्स में बिक जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट से वो डेबिट हो जाएंगे। आपने जान ही लिया है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, जिससे हम रिस्क को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम अपनी रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज, या फिर हम अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, फार्मा सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर। ऐसा करने से लॉस होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो आप भी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट की मदद से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कराएं, क्योंकि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क रिटर्न रेशियो इत्यादि पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करते हैं ये सब तो आपने जान ही लिया है। तो अब आप आज ही इन्वेस्टमेंट कर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए और शानदार प्रॉफिट कमाइए, साथ ही कंपनी से डिविडेंड भी अर्न करिए। और ये सब कुछ कमाने के लिए आपको बस अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए।
और फिर लाखों और करोड़ों में इनकम घर बैठे ही कमाइए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप अपना डीमैट अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन कर पाएंगे और कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचने का सफर शुरू कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल अर्श बबल को सब्सक्राइब कर दीजिए।